राजस्थान की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता से जुड़ी खबर के साथ। उनके पिता की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। देर रात भरतपुर से उन्हें जयपुर लाया गया। फिलहाल अस्थायी सीएमआर में उनके पिता किशन स्वरूप शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टरों ने किशन स्वरूप शर्मा के स्वास्थ्य की जांच की है। देर रात वो सीएमआर पहुंचे और आज जयपुर में उन्हें भर्ती कराया जा सकता है। जयपुर में आज और कल उनका ऑपरेशन भी हो सकता है, ये भी संभावना है। तो अभी फिलहाल वो सीएमआर में मौजूद हैं और मेरे सहयोगी देवेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, एक बार ऑलरेडी वो 3 दिनों तक भर्ती थे, उनकी जांच रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी, अब उन्हें क्या दिक्कत हुई है? देखिए, हार्दिक डॉक्टरों ने जो उनका प्रारंभिक परीक्षण किया उनमें उनको यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत मिली है। डॉक्टर विवेक भारद्वाज ने उनका इलाज किया और उनको यहाँ पर उनके घर पे ही इलाज किया और उसके बाद में जब उनको थोड़ी राहत मिली तो जयपुर के डॉक्टरों से बात की गई, जयपुर के डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया और बाद में जब सीएमआर को ये सूचना मिली तो सीएमआर से जयपुर से जो सीएमआर की टीम यहाँ पर पहुंची और उस टीम उनको उनके पिता किशन स्वरूप शर्मा को लेकर उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की माता जी गोमती देवी शर्मा वो भी साथ में गई है और उनको लेकर जयपुर पहुंचाया गया है। जयपुर एसआई सीएमआर है, वहां रखा गया है, वहां उनका प्रारंभिक परीक्षण हुआ है और उसके बाद में डॉक्टरों ने जिस तरह की संभावना जताई है कि यूरिन इन्फेक्शन के चलते जिस तरह की वो समस्या हो रही है, हो सकता है उनको आज जयपुर में अस्पताल में जाए, एसएमएस में भर्ती कराया जाए और ऑपरेशन की संभावना भी भरतपुर के डॉक्टरों ने जताई है, इसीलिए उन्हें हायर सेंटर जयपुर भेजा गया है जी। इसके अलावा उनकी जो जांच रिपोर्ट है उससे लेकर कोई अपडेट सामने आया कि जांच रिपोर्ट में अब तक क्या सामने आया है, तकलीफ क्या है, क्योंकि ऑपरेशन की भी बात सामने आ रही है देवेंद्र? देखिए, लगातार हार्दिक जिस तरह की बात कही जा रही है, डॉक्टर विवेक भारद्वाज से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन में यूरिन पास करने में दिक्कत है और यूरिन इन्फेक्शन है और लगातार कई बार क्या होता है कि जिस तरीके डॉक्टर ने बताया है कि प्रोस्टेट की समस्या उनको हो सकती है, अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं किया लेकिन प्रोस्टेट की जांच उनको होगी और उसके बाद में अगर जरूरत हुई तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी हो सकता है, इस तरह की बात उन्होंने कही है, इसीलिए उनको हेयर सेंटर जयपुर भेजा गया है जहाँ हाई जो स्पेशलाइज डॉक्टर है उनकी निगरानी में उनका इलाज हो सके। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।